मेरी मुराद मिर्ज़ाई हैं, मिर्ज़ा कादियानी अहमद नाम वैसे रख लिया गया है, लेकिन ग़ुलाम अहमद तो नहीं था, ग़ुलाम कादियानी उनको कहना चाहिए, लेकिन चूँकि इब्तिदा में जो उनका नाम था ग़ुलाम अहमद और वालिद का नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा, नाम तो बड़े अच्छे थे, इसका नाम ग़ुलाम अहमद, वालिद का नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा, दादे का नाम फजल मोहम्मद, पर दादे का नाम गुल मोहम्मद। अब नामों को देखें तो हर जगह मोहम्मद नाम के साथ है, पर दादा गुल मोहम्मद, दादा जो इसका था फजल मोहम्मद उसका नाम, और वालिद का नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा और इसका नाम ग़ुलाम अहमद। ये 1840 ईस्वी के अंदर पैदा हुआ, और बाज जगह लिखा है 1835 के अंदर पैदा हुआ। इस्लामी हिसाब से 55 और 50 बनती है, तो अब ये 1880 में 1840 में पैदा हुआ, और इसका जो बचपन है वो लापरवाही में, आवारागर्दी में, खेल कूद में गुजरा है। चिड़ियों को पकड़ना और उन्हें मारना ये इसका मशगला था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि किसी को किनकर ना मारा जाए, क्योंकि इससे चिड़ी मरती नहीं है, उसकी आँख जख्मी हो जाएगी या उसका जिस्म जख्मी होगा, टांग टूट जाएगी। तो ये ग़ुलाम कादियानी का काम ये था बचपन में कि ये चिड़िया के साथ खेला करता था, चिड़िया मारा करता था, और अगर छुरी मिल जाती तो छुरी के साथ ज़बह करता, नहीं तो कोई पत्थर होता तेज़ दहार उसके साथ चिड़ी को ज़बह करता, या किसी लकड़ी के साथ ज़बह कर लेता। बाद में जो उसने दावे किए उसके मुताबिक बचपन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह वाले होते हैं उनका बचपन भी पाकीज़ा होता है। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी जान को पेश किया, फ़कद लबिस्तु फीकुम उमरा मिन कब्ली, कि मैंने 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजारे हैं, मेरे इन 40 साल में बचपन भी है, लड़पन भी है, नौजवानी भी है, ये सारी जिंदगी गुजरी है। कोई शख्स मेरे इस जिंदगी पर उंगली उठाए, कोई बताए, हालांकि सख्त दुश्मन उसके आपके थे, लेकिन आपकी जात पर, सीरत पर, किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सका, और आपने अपनी जिंदगी को नमूने के तौर पर पेश किया, मौजे के तौर पर पेश किया। तो ये ग़ुलाम कादियानी का जो बचपन है ये खेल कूद में गुजरा है। इसको पढ़ाने के लिए एक हाफिज़ साहब को मुकर्रर किया कि वो पढ़ाया करे, फजल इलाही उसका नाम था, वो इनको सबक याद कराता, सबक इनको याद नहीं होता था, ये बार बार उसमें छुट्टियां करते, बार बार उसमें गलतियां करते। फिर कुरान पाक नाजरा पढ़ने के बाद एक उस्ताद रखा जो इनको सरफ पढ़ाए, फारसी पढ़ाए, इब्तदाई किताबें पढ़ाए, उस उस्ताद का नाम फजल मोहम्मद था, हिफ्स के उस्ताद का नाम फजल इलाही जो कुरान पाक पढ़ाने वाला था, और फिर किताबें जो इब्तदाई पढ़ाने वाला उसका नाम फजल मोहम्मद था। इस पर बाद में ये कहता था कि मैं तो बड़े फजल वाला हूँ, मेरे उस्तादों के नाम ही फजल हैं। तो बहरहाल उसके कहने की बात तो हम अभी बयान करेंगे कि उसकी बात के एतबार ही नहीं है, लेकिन अगर हम एक खाका जहन में रखें कि उसकी इब्तदाई जिंदगी किस तरह की थी, तो हर आदमी को समझ आ जाएगी कि जो उसने दावे बाद में किए हैं ये सारे दावे उसके इब्तदाई जिंदगी और बाद वाली जिंदगी सारी एक अजूबा थी, एक खेल तमाशा थी, एक धोखादही थी, एक फ्रॉड थी।
वालदा ने भेजा के दादी की पेंशन मिलनी है, जाके लेके आ जाओ। तो एक उनका दोस्त था इमाम दीन, उसका नाम था, वो भी साथ हो गया। तो कहा कि आज तो हमारे मज़े हैं, पेंशन भी लेंगे, खाएं पिएंगे। तो उस वक्त के लिहाज से इनके दादा की जो पेंशन थी 700 रुपये थी, उस वक्त 700 थी, आज के हिसाब से वो 700 बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि ये ख़ानदान अंग्रेज़ की जो है वो हिमायत में रहता था और वो इनको अच्छा मुआवजा देते थे। तो इनकी दादा की पेंशन भी 700 रुपये थी। तो वालदा ने भेजा जाके लेके आ जाओ। ये गया तो वापस नहीं आया, शाम हो गई नहीं आया, दूसरा दिन गुजर गया, 7 दिन गुजर गए, वापस नहीं आया। और जब वो रकम ख़त्म हुई फिर वापस आया इमाम दीन, और ये दोनों 701 हफ्ते में ख़त्म करके, खा पी के, याशी करके, आवारा गर्दगी करके घर वापस आए। कहा कि जो रकम ख़त्म हो गई है। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वालदा ने भेजा है कि जाके रकम लेकर आओ, वो घर लाने के बजाय आवारा गर्दगी में लगा दी है। अब उस शख्स के बारे में आप क्या नजरिया रखेंगे? मुझे तहरियत होती है जितने लोग उनको मानने वाले अब भी हैं या पहले भी थे, कि उसकी जिंदगी को देखें कि बचपन की जिंदगी में धोखाधड़ी मौजूद है, फ्रॉड मौजूद है, वालदा से बदअदबी मौजूद है, और फिर वो दयानत नहीं है, वो रकम लाकर उसने अपनी अयाशी में लगा दी है, हालांकि वो अमानत थी, वापस लाकर घर में देनी थी। तो ये उसके बचपन के अगर वाकयात देखे जाएं और हालात को देखा जाए तो अकलमंद आदमी के लिए इतना भी काफी है। बेअकलों के लिए अगर दलायल के अंबार लगा दें तो वो भी नाकाफी हैं। तो बहरहाल इसके जो बचपन है ये इसी तरह गुजरा। बाहर के उस्ताद से जब भी पढ़ाने के लिए कोई उस्ताद मुकर्रर किया जाता उसको महंगी तनख्वाह दी जाती। ये ट्यूशन पढ़ाने का उस वक्त के अंदर भी दौर था, क्योंकि अगर इसको किसी जगह भेजते पढ़ना नहीं था, इसलिए घर में पढ़ने का इंतज़ाम किया गया। और फिर इसके वालिद ने मंतिक, फ़लसफ़ा, मैबजी और इस तरह की जो किताबें थी वो ख़ुद पढ़ाई। क्योंकि वालिद भी आलिम थे, इस लिहाज से ये एक अंग्रेज़ सिखाने के लिए, अंग्रेज़ी सिखाने के लिए एक उस्ताद वो रखा गया और उसने भी इनको पढ़ाया। तो जब 14-15 साल उम्र हुई तो फिर घर से ये निकल के भाग गया और 4 साल तक एक जगह नौकरी की। 1864 से लेकर 1868 तक इन्होंने एक कमिश्नर के यहाँ ड्यूटी की, नौकरी की, क्योंकि लालच था दुनिया का कि कुछ आए सही। तो बहरहाल वो नौकरियाँ करके ये दुनिया हासिल की। उसके बाद फिर वापस अपने घर आ गया। 19 साल जब उम्र हुई तो उस वक़्त इसके वालिद ने इसकी शादी करा दी, क्योंकि बच्चा जब आवारा हो तो उसकी जल्दी शादी करा देनी चाहिए, फिर मज़ीद उसकी आवारगी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए उमूमी तौर पर शादी देर से होती है, लेकिन इनकी शादी जल्दी करा दी गई। 2 बेटे उस पहली खातून से हुए थे। ये तारीख है पूरी कि नाम कितने अच्छे रखे गए, वालिद का नाम कितना अच्छा, वालदा का नाम था चराग बीबी, और इस तरह अपने बच्चों के नाम भी बड़े अच्छे नामों पे रखे। मैंने जैसे कहा ना कि लिबादा जहरी अच्छा होता है, और अंदर से क्या है खुब से बातनी, ये हर शख्स देख नहीं सकता। तो आप इनके जितने भी ख़ानदान के अफराद हैं उनके नाम देखें
और ज़ाहरी तौर पर उनके अहवाल को देखें तो आप समझेंगे कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, नाम इतने अच्छे हैं। इसकी जो बहन थी उसका नाम था जन्नत बीबी। ये दो बहन भाई एक साथ पैदा हुए थे, जुर्मा पैदा हुए थे, बाकी और इनके बहन भाई नहीं थे, ये दो बहन भाई थे। बहरहाल ग़ुलाम कादियानी की जो इब्तदाई सीरत है वो इंतहाई खस्ता है, लेकिन जैसे जैसे रकम मिलती गई, दोस्त बढ़ते गए, तो ये दीन के लिबादे को ओढ़ता गया, यहाँ तक कि मुबल्लिग़ इस्लाम के नाम से मशहूर हो गया। आज एक जगह खिताब करना है, कल दूसरी जगह करना है, फिर तीसरी जगह करना है, और लोग इनके करीब आते गए, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़, अज़मत रिफ़त ये बयान किया करता, अल्लाह की वहदानियत, और जो एक आलिम की शान है उसके मुताबिक इसकी गुफ्तगू होती थी। तो यह अपने वक्त में मुबल्लिग़ इस्लाम के लकब के साथ मशहूर हुआ, फिर उसके बाद ईसाइयों के साथ मुनाज़रे शुरू कर दिए, आर्या फ़िरके के साथ मुनाज़रे शुरू कर दिए, सिखों के साथ मुनाज़रे शुरू किए, यहाँ तक कि मुनाज़रे इस्लाम मशहूर हो गया। पहले मुबल्लिग़ इस्लाम था, फिर मुनाज़रे इस्लाम हो गया, ये इसको उरूज मिलता गया। अब आप देखें, कोई भी शख्स दीन के साथ जब मोहब्बत रखता है तो बैतुल्ला शरीफ के साथ और रोज़ा मुबारक के साथ उसकी मोहब्बत होती है, और पहली चाहत उसकी यह होती है कि बैतुल्ला शरीफ की ज़्यारत हासिल हो, रोज़ा शरीफ पर हाज़िरी हो। लेकिन इसकी कभी भी ये चाहत नहीं रही। बचपन तो गुजरा ही आवारगी में, जब पकी उम्र आई उस वक्त भी बस अपनी शोहरत चाहिए थी, अपनी ताली चाहिए थी, अपनी बुलंदी चाहिए थी, जहाँ इसको तारीफ़ मिले, जहाँ इसको पैसा मिले, जहाँ इसको शोहरत मिले, बस वो काम करता था। एक मरतबा भी ख्वाहिश नहीं की कि मैं बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाऊँ, एक बार भी ख्वाहिश नहीं की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी के लिए जाऊँ, क्योंकि जब खुद से बात नहीं हो, ज़ाहरी लिबादा कुछ हो, अंदर से खुद से बात नहीं मौजूद हो, तो फिर अल्लाह ताला ये शरफ़ नहीं देता, फिर ये सातें नसीब नहीं होती। किसी बुज़ुर्ग के पास जाने के लिए इसने ज़हमत नहीं की, किसी आलम से मिलने के लिए ये नहीं गया, इसके अपना एक दायरा इख्तियार था, नाम सबका लेता था, मानता सबका था, लेकिन बस जो इसकी तारीफ़ कर दे, जो इसको इज़्ज़त दे दे, और जहाँ इसको बुला लें। इसका जो सबसे बड़ा खलीफा था नूरुद्दीन, हकीम नूरुद्दीन कश्मीरी, वो कश्मीर का वडेरा था, बड़ा ओहदा था उसका वहाँ, इसलिए जितने भी इसके करीब के लोगों को देखें तो वो किसी न किसी सरकारी ओहदे पर थे, जिसकी वजह से इसको सहूलियात भी फराहम की गई और इसके लिए ये सारे इंतज़ाम होते गए। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि पहला जो इसका दर्जा ज़ाहरी तौर पर इसको मिला मुबल्लिग़ इस्लाम का, फिर दूसरा जो है वो मुनाज़िरे इस्लाम। मुनाज़िरे इस्लाम वैसे नहीं बनता, इल्म के साथ बनता है। बड़े बड़े उलमा को मुनाज़िरे, और पहले अंग्रेज़ों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ, आर्यों के साथ, बदमज़हबों के साथ मुनाज़िरे होते रहते, और फिर इसने रुख तब्दील कर लिया, आले इस्लाम के साथ फिर मुनाज़िरे शुरू कर दिए। उस वक्त इमामुल मुस्लिमीन शेखुल मुजद्दीदीन हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह 1890 के अंदर हज और उम्रे के लिए ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ के उलमा ने और वहाँ जो लोग यहाँ से गए हुए थे, उन्होंने कहा कि आपके इधर एक बड़ा मुनाज़िर है, और सुना है कि वो बहुत मुनाज़िरे करता है, और अब उसने आगे और काम भी शुरू कर दिए।
तो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह 1890 में हज से जब वापस आए तो उस वक्त उन्होंने फिर एक किताब लिखी जो इसके बातें अजायम थे उनको उजागर किया। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने, चूँकि ये लोगों को सिर्फ पैसे जमा करने का माहिर था, एक ऐलान किया कि मैंने इस्लाम की तारीख पर किताब लिखनी है और वो किताब 50 जिल्दों में होगी, तो इसलिए मेरी मदद की जाए। तो फिर लोगों ने हर हर कोने से, हर जगह से पैसे जमा करके भेजे कि जी इतनी बड़ी खिदमत इस्लाम की कर रहे हैं, ईसाइयों से मुनाजरे हो रहे हैं, आर्यों से मुनाजरे हो रहे हैं, सिखों से मुनाजरे हो रहे हैं, बुद्ध मज़हब से मुनाजरे हो रहे हैं, और ये तो शख्स बहुत बड़ा इस्लाम का दाई है, तो इसलिए इसकी मदद की जाए। और ऐलान किया कि 50 जिल्दों पे किताब में लिखूँगा। फिर वो किताब लिखनी शुरू की, बराहीन अहमदिया उसका नाम है। 4 जिल्दें जब मुकम्मल की तो कहा कि अब मुझे इल्हाम हुआ है कि अब ये जिल्दें काफ़ी हैं, अब और बहुत से काम हैं, क्योंकि जो जमा करना था वो कर लिया, अब इस ज़राए में मज़ीद आमदनी नहीं थी, इसलिए अब दूसरा रास्ता इख्तियार किया। और ये ज़्यादा इश्तहारबाजी ज़्यादा करता था कि कोई भी चीज़ इश्तहार लिख कर उसको फैला देता, क्योंकि उसमें पैसे भी कम लगते थे और शोहरत ज़्यादा हो जाती थी, तो हर काम में इश्तहारबाजी ज़्यादा थी। तो हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब इस बात की ख़बर हुई तो उन्होंने एक ख़त लिखा, इनकी तरफ एक ख़त लिखा था ग़ुलाम कादियानी ने पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को कि सारे लोग मुझे मानते हैं तो आप मुखालफत क्यों करते हैं, तो आप भी अगर मान लें तो दीन का काम ज़्यादा होगा और ये मामला होगा, इसरा मामला होगा। तो पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में ख़त लिखा कि तुम जो गैर मुस्लिमों से मुनाजरे करते थे तो तुम मुनाजिर ही रहो, बस मुनाजिर होने से आगे दावे ना करो, जितना तुम्हारा काम है इतना तुम करो, जो तुम्हारा काम नहीं है उसकी तरफ ना आओ। ये सबसे पहला ख़त पीर मेर निशा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ग़ुलाम कादियानी को लिखा और उसे मना किया कि जिस रास्ते पे आप जाना चाह रहे हो, जो बातें मैंने तुम्हारी सुनी हैं तो वो आगे ख़तरनाक हैं, उस रास्ते पे कदम नहीं रखा जा सकता। हालांकि उस वक्त उसने कोई दावे नहीं किए थे, लेकिन अल्लाह वाले जानते थे कि आगे जाकर इसने करना क्या है, अल्लाह वाले पहचान लेते हैं, चेहरे देखकर पहचान लेते हैं, उसके इब्तदाई हालात को देखकर पहचान लेते हैं। तो बहरहाल ये मुबल्लिग इस्लाम के बाद फिर मुनाजिर इस्लाम हुआ, मुनाजिर इस्लाम के बाद तीसरा जो इसने अपने लिए ओहदा चुना वो था मुजद्दद। मुजद्दद का ओहदा इसने चुना, कहा कि मैं इस सदी का मुजद्दद हूँ, 14वीं सदी का मैं मुजद्दद हूँ, क्योंकि अब 13वीं सदी ख़त्म हो रही है, आगे 14वीं शुरू हो रही है, और मुझे अल्लाह की तरफ से तजदीद दीन का हुक्म मिला है, तो अपने आप के लिए मुजद्दद कहना शुरू कर दिया। अब मुजद्दद में क्या क्या उसने कहा यह एक अलहदा तफसील है, मैं ये इख्तिसार सिर्फ बताना चाहता हूँ, उसके दर्जा बदर्जा जो गिरना है उसको बता रहा हूँ, अगरचे ज़ाहरी तौर पर हम ऊपर को समझेंगे लेकिन वह ऊपर नहीं नीचे गिर रहा है। तो अब अपने आप के लिए मुजद्दद का उसने लकब लगा लिया, पहले मुबल्लग, फिर मुनाजिर, फिर मुजद्दद। अब मुजद्दद कुछ अरसे के लिए उसकी तजदीद के काम शुरू कर दिए, अपने साथियों को कहा यह है, ये बात है, ये इस तरह, ये इस तरह, और जो भी उससे हो सकता था वो काम किए। अब मुजद्दद के बाद फिर उसने कहा कि अब मुझे इल्हाम हुआ है कि ये काम पाए तकमील तक पहुँच रहा है, इससे ऊपर काम करना है। अब मैं मुहद्दिस हूँ, मुहद्दिस ज़ेर के साथ भी और ज़बर के साथ भी पढ़ा जाता है मुहद्दिस। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत, पहली उम्मतों में कुछ मुहद्दिसून होते थे, मेरी उम्मत में जो मुहद्दिस हैं वो उम्र फारूक हैं। एक मुहद्दिस होता है जो हदीस बयान करने वाला होता है, उसको भी मुहद्दिस कहा जाता है।
और एक मुहद्दस होता है जाल, जाल की जबर के साथ। ये इस्तेलाह भी आप समझ लें। मुहद्दस उसको कहा जाता है कि जिस पर गैबी तौर पर इल्हाम होता हो, इनकिशाफ होता हो, उसे कश्फ होता हो और हर बात उसके दिल पर इल्का कर दी जाती हो। और जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला ने फरमाया कि उमर की ज़ुबान पर अल्लाह ने हक को जारी कर दिया, तो अब वो मुहद्दस थे। वो जब कोई काम सोचते थे तो उसके बारे में अल्लाह उनके दिल में डाल देता था कि इस काम के खैर है, शर है, इसके इंजाम क्या है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को पढ़ कर देखें तो आपके कामों में इस तरह के बहुत से काम ऐसे हैं कि ज़ाहिरी तौर पर किसी को खबर ही नहीं है, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसका अंजाम बता रहे हैं कि तुम वहाँ जाओ, ये वाक़या पेश आएगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा। जैसे अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तुस्तर इलाके के लिए भेजा और उनसे कहा कि जब भी वहाँ पर कोई खिलाफ वाक़े जो तुम्हारी समझ में बात ना आई, एक वाक़या पेश आएगा, जब वो वाक़या पेश आए मुझे ज़रूर इतला देना। उसकी फिर अलग तफसील है वो वाक़या किस तरह का पेश आया था। तो क्या है कि इस तरह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक नहीं, तकरीबन हर काम के अंदर उनके दिल की बात ज़ाहिर होती है कि अल्लाह उनके दिल में डाल देता था कि इस चीज़ का अंजाम क्या है, यहाँ पर किस तरह रहनुमाई करनी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला ने फरमाया कि सैयद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरी उम्मत में मुहद्दस हैं, कि सैद इल्हाम हैं और इनके दिल पर हर शय का इल्का होता है और बाखबर हैं ये। तो अब इस गुलाम कादियानी ने मुजद्दद से ऊपर का दर्जा कि मैं मुहद्दस हूँ, कि मैं साहिब इल्हाम हूँ और मुझे इल्हाम होता रहता है, मैं हर चीज़ को जान लेता हूँ, तो अपने आप को साहिब इल्हाम कहना शुरू कर दिया। अब जो उनके मानने वाले थे बड़े खुश थे कि रूहानी तरक्की हो रही है, एक से दूसरा दर्जा आ गया, दूसरे से अब ऊपर आ गए। तो ये इसका चौथा दर्जा उस एतबार से कि मुबल्लिग, फिर मुनाजिर, फिर मुजद्दिद और अब उसके बाद मुहद्दस। इसके अंदर बहुत से इल्हामात उसने किए, हालांकि किताबों में वाज़े हैं जो इल्हाम है ये दूसरे के लिए हुज्जत नहीं हो सकता है, दूसरे पर कोई चीज़ इल्हाम के ज़रिए लागू नहीं की जा सकती। अपनी तसल्ली के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए अगर किसी को इल्हाम होता भी है तो वह अपनी ज़ात के लिए है, और उसको भी देखा जाएगा कुरान और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक है या नहीं है। अगर उसके मुआफिक है तो अपनी तसल्ली के लिए है, और अगर मुआफिक नहीं है तो फिर वो भी रद्द कर दिया जाएगा। तो ये इसकी बड़ी तशरीह है, इस पर जो गुलाम कादियानी ने काम किया और लोगों को इल्हामात बताए वो इतने शुमार से ज़्यादा है। उनकी किताबें मौजूद हैं, उनके बेटे बशीर ने बड़ी किताबें लिखी हैं और उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं कि ये भी हुआ, ये हुआ, इस तरह हुआ। हालांकि उस वक्त वो अपने तौर पे समझते थे तारीफ़ी कलमात, लेकिन अब जब हम उनकी किताबें पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि उसकी दो नंबरी के कलमात कितने चलते जा रहे थे, कि एक के सामने एक चीज़ को बयान किया जा रहा है, दूसरे के सामने उसकी ज़िद बयान की जा रही है। किसी को कुछ बस जहाँ उसने माहौल देखा उसके मुताबिक फैसला कर दिया। अब ये यहाँ स्टॉप हो जाना चाहिए, इतने बड़े रुतबे मिल गए हैं और क्या चाहिए, लेकिन यहाँ भी सब्र नहीं हुआ। उसके बाद उसने महदी होने का दावा कर दिया। अक्सर लोग मेहदी पढ़ते हैं, लफ्ज महदी है, मस्तर है, इसका माने हिदायत देने वाला। मैं अक्सर लोगों से सुना तो हज़रत इमाम महदी को पढ़ते हैं इमाम मेहदी, मीम के नीचे ज़ैर नहीं है, वो तो इसमें ज़र्फ का सीगा हो जाएगा। तो महदी मस्तर का सीगा है जिसका माना होता है हिदायत देने वाला, मबनी लिलफ़ाइल बनेगा। तो ये ग़ुलाम कादियानी ने पांचवा अपने लिए जो अहदा चुना तो महदी होने का चुना, फिर दावा कर दिया कि मैं महदी हूँ, और उसके लिए फिर हदीसों को अपने ऊपर सेट किया।
कि यह हदीस है उसका मिसाक में हूँ, यह है मेरी दादी जो थी उन दादियों में से एक सैयदजादी थी, इस रियाज से फातिमी नस्बत भी मुझे हासिल है और फारसी नस्बत भी मुझे हासिल है। सलमान फारसी के लिए हजूर ने फरमाया था मेरे आले बैत में से है। तो इस तरह वो नस्बतें ज़बरदस्ती अपनी तरफ मंसूब करके उसने अपने आप को महदी होने का ऐलान किया, लोगों के सामने अपने आप को पेश किया। हालांकि जो इमाम महदी के शरायत हैं वो सब के सामने, उनमें से कोई भी शर्त इसमें नहीं अब पाई जाती थी, लेकिन चूंकि दावे का ये शौकीन था इसने फिर दावे दर दावे किए। अब इसके बाद ये पांचवा यानी इसको दर्जा इसको मिला, इसने अपने लिए मुंतखब किया, मिला तो कहीं से भी नहीं, अपने आप के लिए मुंतखब किया। अब जब ये मादी के स्टेज पर पहुंच गया तो उसके बाद इसने आगे बढ़ा और मसीले मसीह होने का दावा किया। एक मसील होता है, एक असल होता है। मसील का माना है मिसल होना, कि मैं मसीह तो नहीं हूं लेकिन मसील मसीह की मसील हूं, उसकी मिसल हूं, कि जो काम वो करते थे तो वो काम जो है मैं करता हूं। उसकी फिर ऐसी मिसालें उसने पेश की ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो तशबीह की, तो अकलमंद हैरान होता है कि ये मिसालें तो बनती नहीं हैं। उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए और मैं जब पैदा हुआ तो मेरे साथ जो मेरी बहन पैदा हुई मुझसे जुदा कर दी गई, उनसियत मुझ में भी पाई जाती थी और वो मुझसे जुदा होकर दी गई। अब ये और वो काम आपस में मिलते हैं। इस तरह के बहुत सी खुराफात उसके मौजूद हैं जिसमें मिसले मसीले मसीह होने का उसने दावा किया और ईसा अलैहिस्सलाम पर सबसे ज्यादा उसने इतराजात किए। अब ये समझ नहीं आती कि उसने ईसा अलैहिस्सलाम को टारगेट क्यों बनाया, हालांकि अंग्रेज का वो वफादार था, उन्हीं का खाता था, उन्हीं का सारा कुछ करता था। तो असल में ये था कि मुसलमानों को एतमाद देना था कि ये हमारा नहीं है, ये तुम्हारा है, वरना ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ तो हम बात ना करने देते। किसी ने भी उस पर कोई जरा नहीं की। आज जो उसकी बातें हैं, अगर वही बातें कोई आज का कोई शख्स मुसलमान अपनी किताब में लिख कर शाये करा दे तो अंग्रेज आपको गिरफ्तार कर लेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम के ये गुस्ताखियां क्यों हुई हैं। मुसलमान तो करें करेंगे क्योंकि हम सब नबी की इज्जत और तौकीर के कायल हैं, किसी की गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन जितनी गुस्ताखियां गुलाम कादियानी ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में की, कुरान पाक की तहरीफ की, जगह जगह जहां ईसा अलैहिस्सलाम की नस्बत अपनी तरफ की, लेकिन किसी ने भी गिरफ्त नहीं की सिवाय उलमा के, कोई उसके उसके सामने खड़ा नहीं हुआ। उलमा का किरदार अभी आगे मैं बताता हूं। अब ये मिसले मसीह होने का इसने दावा किया। अब जब अपने साथियों के इसमें एतमाद में ले लिया तो फिर ऐने मसीह होने का दावा कर दिया और उसके अंदर भी ऐसी खराफात, ऐसी बौद्धी बातें जिसका ना सर है ना पांव है। कोई भी अकलमंद आदमी उनकी बातों पर नहीं समझ सकता कि ये उसके साथ मुशाबियत है या नहीं है। इंसान कोई दावा करता है, कोई बात करता है, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर असर मौजूद होता है, लेकिन कोई असर इसके अंदर नहीं था और ज़ाहरी तौर पर भी नहीं और जो बातें थी उसमें भी नहीं था, लेकिन मानने वाले फिर भी आंखें बंद करके मानते रहे। तो ये उसके आगे दर्जा बनता गया। अब जब यहां तक पहुंचा तो उसने उसके बाद फिर इससे आगे का दावा कर दिया कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम से भी अफजल हूं। और फिर उसके बाद अगला जो दावा था वो जिल्ली नबी होने का था कि मैं जिल्ली नबी हूं, ये उसने दावे किए। अब जिल किसको कहा जाता है? साय को कहते हैं। ये सूफिया की इस्तेलाह में जिलाल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इनकास तवज्जो इनकासी होती है, अक्स को जिल कहा जाता है। इसको एक मिसाल देकर मैं फिर वापस इस बात पर आता हूं, यहां तक आप जहन में रखिएगा। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको एक मरतबा जरूरत पेश आ गई खाने की कि कुछ मेहमान आ गए थे, खाना बनाना था। तो एक शख्स को बुलाया और उसे कहा कि खाना बनाना है, रोटी पकानी है,
तो एक नान भाई ने अपनी खिदमत पेश कर दी, रोटी पकाने वाले ने उसने कहा मैं पका के आपको देता हूँ। अल मुख्तसर के उसने मेहमानों की तवाजो की खाना बना के दिया और उनकी अच्छी तवाजो कर ली, तो हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े खुश हुए, कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे मेहमानों का ख्याल किया, उन्हें खाना बना कर दिया, उन्हें रोटी पका के दी, उनकी खिदमत तवाजो की। तो कहा कि अब मांगो, तुम क्या मांगते हो, तुम्हें क्या चाहिए। अब वो नान भाई एक आम आदमी था, वो सोचने लगा मैं क्या मांगू, ना वो हाफिज, ना वो आलिम, ना वो मुफ्ती, ना वो कोई उस्ताद, ना उसने तालीम हासिल की, वो एक रोटियां बनाने वाला, रोटियां पकाने वाला शख्स था। सोचता रहा कि मैं क्या मांगू। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बताओ क्या तुम मांगना चाहते हो, आज जो मांगोगे तुम्हें अता करेंगे। अब उसने कहा कि जी मुझे तो समझ कुछ नहीं आती, बस ऐसा करें जैसे आप हैं मुझे ऐसे बना दें, जिस तरह आप खुद हैं इस तरह मुझे बना दें, बस और कुछ मुझे नहीं चाहिए। अब चूंकि वादा किया था, अंदर कमरे में ले गए, सामने बिठाया, तवज्जो की। इस तवज्जो को तवज्जो इनकासी कहा जाता है कि अपना अक्स दूसरे पे डाल दिया, कि जिस तरह खुद थे इस तरह दूसरे को बना दिया, जहरी तौर पर भी, बातनी तौर पर भी, कमालात के लिहाज से भी। जब सारी तवज्जो दे दी, तवज्जो निकासी कर ली और उन्हें अपना जैसा बना दिया, तो जब बाहर निकले तो बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह और नान भाई के दरमियान फर्क नजर नहीं आता था। लोग देखने वाले ये नहीं समझ सकते थे कि बाकी बिल्ला कौन सा है, नान भाई कौन सा है। सूरत भी एक ही तरह, शबाहत भी एक ही तरह, वो तवज्जो निकासी थी, वो जिल हो चुके थे उनके, पूरी इनकास उन पर आ चुका था। सिर्फ फर्क कितना था कि बाकी बिल्ला अपने होशो हवास के साथ आ रहे थे और नान भाई जो है उनके चाल में वो अंदाज नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ उनको अचानक मिला था और जिसे अचानक मिलता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अल्लाह का करम होता है कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा पढ़ाते 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 एक मंजिल तक पहुंचाया जाता है, जब वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है सब कुछ उसको हासिल हो जाता है। यकदम अगर उसे दे दिया जाए तो उसकी कुव्वत बर्दाश्त इतनी नहीं होती, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अब वो नान भाई कुछ दिन जिंदा रहे, फिर अल्लाह के पास चले गए, लेकिन मकाम बाकी बिल्ला वाला ले गए थे। दुनिया में तो जितना वक्त मुकर्रर रहना है, लेकिन मकाम मिल जाए, यहां कुछ मिल जाए किसी से, वो सबसे बड़ी गनीमत की बात है। तो इसको कहा जाता है इनकास, इसको कहा जाता है जिलाल, जिल, कि आपने जैसा दूसरे को बना देना। जैसा इंसान चलता है तो उसका साया साथ होता है, साये को जिल कहा जाता है। साया होता कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जिल है खाली। तो बहरहाल वो तो एक समझाने के लिहाज से मिसाल दी जाती है, लेकिन जो तसव्वुफ के अंदर जिल कहा जाता है, तो वह जो निकासी की सूरत में मिलता है ये। अब ये लफ्ज तो इसने सुने हुए तो गुलाम कादियानी ने, इसने कहा मैं नबी तो नहीं हूं, जिली नबी हूं। कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नऊज़ बिल्लाह सारी तवज्जो मुझ पर डाल दी है, उनका अक्स मुझ पर आ गया है, अब जो काम वो करते थे वो मैं कर रहा हूं, ये उसने अपने लिए दावा किया, ये जिले नबी होने का। लेकिन उसके साथ जो उलमा, उलमा तो उनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कहते हैं उकला थे, उनकी अकल में यह बात नहीं आई कि यह दावा क्या कर रहा है, वो फिर भी उनको जी सबके करते रहे। हकीम नूरुद्दीन, इसी तरह और बहुत से उसके, जो उसकी मस्जिद का इमाम था, और अब्दुल करीम और नूर हसन, इस तरह बहुत से लोग थे जो साहिब जीरत थे, अकलमंद थे, बाशऊर थे, पढ़े लिखे थे, बात बात को समझते थे, लेकिन क्या है कि यहां पर वो इसको कुछ भी नहीं कहा, बस जो वो कहता रहा उसको तस्लीम करते रहे। उन पर जादू किया हुआ था या उन पर क्या उनको मामला किया हुआ था कि ये अकल से बईद है कि एक आदमी की इतनी खुराफात हो, इतनी बेहयाई हो, इतनी उसकी धोखादही हो, इतने उसके फ्रॉड हो, हर एक के साथ अलहदा अलहदा, अपने बच्चों को संभाल नहीं सका। एक उसका बेटा यूसुफ नाम का था, वो बाप को नहीं मानता था,
कहते मैं तुम्हें नहीं मानता। जब वो यूसुफ मर गया तो उसका जनाजा नहीं पड़ा, कहा कि मैं इसका जनाजा नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरे मजहब से खारिज है और इसका जनाजा नहीं है। तो यूसुफ उनका जो बेटा था वो बाप को ये नज़ली नबी मानता था, ना बाकी कोई उसके इलामात को मानता था, क्योंकि उसको घर वाले को ज्यादा घर की खबर होती है कि इसका किरदार क्या है, ये है कौन शख्स है जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है। ये जिल्ली नबी होने का दावा उसने किया। अब इससे वो और आगे बढ़ा, फिर उसने दावा किया बुरूजी नबी होने का। अब ये बुरूज का लफ्ज अरबी का लफ्ज है, इसके अंदर भी बड़ी गहराई है। एक मिसाल देकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उलमा को तो समझ आ जाएगी, उनसे माजरत भी चाहता हूँ। हम बच्चों को जब सबक पढ़ाते हैं तो उसमें दो किस्म की ज़मीरें होती हैं, एक ज़मीर मुस्ततर होती है, एक ज़मीर बारिज होती है। जो ज़मीर मुस्ततर होती है उसकी कोई ज़ाहरी तौर पर अलामत नहीं होती, ज़ाहरी तौर पर नज़र नहीं आती, वो पोशीदा तौर पर हमें मानना पड़ता है कि इसके अंदर ज़मीर फलां है, लफ्ज़ों में कोई उसकी अलामत नहीं होती। और जो ज़मीर बारिज होती है उसकी ज़ाहरी तौर पर अलामत मौजूद होती है। तो जो अलामत वाली ज़मीर होती है उसको कहा जाता है बारिज, जैसे दराबा है दुआ दराबा। अब इसके अंदर जो ज़मीर है वो पोशीदा है, उसको हम कहेंगे ज़मीर मुस्ततर। उसके अंदर कोई ऐसा हर्फ नहीं है जो ज़मीर पर दलालत करता हो, जो ज़मीर के बारे में खबर देता हो या ज़मीर पर आगाही हो, बस ये लफ्ज़ है। हमने मान लिया कि इसके अंदर हुआ ज़मीर पोशीदा है, यह हमारा फर्ज कर लेना है, मान लेना है, है नहीं है, लफ्जों में कोई दलालत नहीं है, अल्फाज के अंदर कोई सामने नजर नहीं आता, वो मुस्ततर है। और दराबा के बाद आगे जो लफ्ज है दराबा अलिफ के साथ आता है, दराबू वाव के साथ आता है, वो अलिफ जमीर बारिज है, जमा के अंदर वाव जमीर बारिज है, ये अलामत है जमा की और वो अलामत है तस्निया की, और ये जमीर बारिज है। तो अब जमीर बारिज का काम भी करती हैं और अलामत का काम भी करती हैं। तो ये चूंकि इसकी अलामत सामने नजर आ रही है, जमीर की अलामत अलिफ नजर आ रही है, जमीर की अलामत वाव नजर आ रही है, जमीर की अलामत दरगना के अंदर नून नजर आ रही है, तो इसलिए कहा जाता है जमीर बारिज। उसी बारिज के लफ्ज से बुरूज है, बुरूज का माना भी है पोशीदा चीज का जाहिर होना। गोया के गुलाम कादियानी का नजरिया ये था कि 1300 साल तक जो नबूवत के आसार थे वो मुस्ततर रहे हैं, पोशीदा रहे हैं, ज़ाहरी तौर पर उसकी अलामत नहीं थी कोई भी, कोई सैब अलामत उसके मौजूद नहीं था, सारे मुस्ततर थे, पोशीदा थे। अब 1100 के बाद अब 14वीं सदी के अंदर मैं आ गया हूं, मैं बुरूजी हूं, अब वो अलामत नबूवत की मुझ पर ज़ाहिर हो रही है। वो अपने आप को नबी नहीं कहता था, कहता था मैं बुरूजी हूं, बस नबूवत का जो फैजान है वो मुझ पर ज़ाहिर हो रहा है, नबूवत के जो कलिमात हुए वो मुझ पर अब ज़ाहिर हुए हैं। अब ये लोगों को धोखा देकर उसने अपने आप को बुरूजी नबी माना, ये उसका अगला उसका धोखा था, ये उसका दर्जा था। ये इसकी मजीद तशरीह मैं नहीं करता वरना यहां लंबी बात हो जाएगी। हजरत मुजद्दद आजम मुजद्दद अल-फिसाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने बड़ी तशरीह किया कमालात नबूवत की, कमालात विलायत की, और उसके बारे में लिखा है कि क्या क्या चीज किस तरह होती है। तो जबकि यहां उसकी कोई अलामत इसके अंदर जरा बराबर किसी रियासत से नहीं पाई जाती थी, क्योंकि उसका बचपन इतना लापरवाही में गुजरा, तालीम उसकी इतनी बेहुदा तरीके से रही, और उस्ताद उसके इस तरह काबिल नहीं थे, और दावे उसके ऐसे खाम खां के थे। अब यहां बुरूजी नबी होने का उसने ये अपना दावा शुरू कर दिया। यकदम सामने आता तो कोई भी ना मानता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अपने करीब करता रहा। अब बुरूजी नबी, जिल्ली नबी, ये बात तो आपको समझ आ गई। इसके बाद उसने आगे दावे शुरू कर दिए कि मैं नबी हूं, और नबी किस तरह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का वजूद मेरे अंदर आ गया। और कुरान पाक की आयतों की तशरीह गलत शुरू कर दी, नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ अपनी तरफ नस्बत करने लगा, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा इसकी नस्बत अपनी तरफ करने लगा। हर जगह जहां हुज़ूर की तारीफ थी उसने अपने ऊपर सेट कर दी। भाई तुम अगर, हम तो पहले ये लफ्ज मानते ही नहीं नबी होने का, लेकिन अगर झूठे नबी हो भी तो कोई दलील अपनी किताब सामने पेश करो, कोई मौजज़ा पेश करो, कोई चीज तो जाहिर करो। वो तो जाहिर है नहीं, किताब हमारी है, इसी किताब को अपने ऊपर सेट कर रहा है। हदीस हमारी है, उसी हदीस को बिगाड़ कर उसके अंदर तहरीफ करके अपनी तरफ गलत तशरीह कर रहा है। अब ये उसने आकर फिर आखिर में ये दावे शुरू कर दिए। और फिर उसके अल्फाज मुख्तलिफ हैं, एक दर्जा, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, और फिर उसने उससे आगे जाकर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रब होने का दावा कर दिया। मादी, फिर मसीह, मिसले मसीह, फिर मसीह, फिर जिल्ली जिल्ली नबी, फिर बुरूजी नबी, फिर नबी, फिर नबी से अफजल, और फिर उसके बाद रूहियत का दावा, कहा कि रब मेरे अंदर आ गया। उसकी बड़ी अजीब सी तशरीह उसने शुरू कर दी। तो ये सारी चीज़ें किताबों में मौजूद हैं, जो आले इलम हजरात हैं वो ज़रूर इसका मुतालिया करें इस जाविये के लिहाज से, कि ताकि पता लगे कि भाई इतना अजीब शख्स, इतना फ्रॉडी शख्स, इतना धोखेबाज शख्स, उसको इतना बड़ा दर्जा किसने दे दिया और लोग उसके पीछे इतने चलते गए। इस दौरान कई जय्यद उलमा ने इनके खिलाफ महाज खड़ा किया, उनमें सरखेल हजरत शेखुल इस्लाम मुजद्दद दीन मिल्लत मंबा पैकर रुश्द हिदायत हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सर फहरिस्त है। उनके साथ मैं आपको बता दूं कि आला हजरत अजीमुल मर्तबत अशाह अहमद रज़ा ख़ान फाजल बरेलवी मुजद्दद, उनके जो इस मुजद्दद के इस झूठे कादियानी के खिलाफ लोग समझते हैं शायद कोई काम नहीं होगा, जिस तरह पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलम उठता गया, एक किताब लिखी, फिर दूसरी लिखी, फिर तीसरी लिखी, शम्सुल हिदायत लिखी, फिर सैफ चिश्तिया है, फिर बाकी किताबें हैं, तो इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी ग़ुलाम कादियानी के खिलाफ अपने कलम को उठाया और उसको काफिर करार दिया और कहा कि जो उसके महती हैं वो भी काफिर हैं। और इस तरह उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि फतावर रिजवी के अंदर भी है, बाकी उनके रसायल हैं हजरत मुजद्दद अशाह अहमद रज़ा ख़ान फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, एक किताब है असु वल इकाब अला मसीह अल कज़्ज़ाब, ये ज़खीम किताब है, इसके अंदर मसीह कज़्ज़ाब ये ग़ुलाम कादियानी के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ी सख्त मज़मून लिखा, लोगों को आगाह किया कि सू भी इस पर हो, इकाब भी इस पर हो। असू वल इकाब अला मसीह अल कज़्ज़ाब, ये एक आला हज़रत की एक किताब ये है, एक किताब आला हज़रत की है कहरुद्दयान अला मुर्तद बेकादियान, कि अल्लाह ताला का कहर हो, दयान का कहर हो कादियान के मुर्तद पर। उसके अंदर उन्होंने अपने एक और इल्मी कारनामे की सूरत में कादियानियों के खिलाफ ये किताब लिखी। एक और किताब अल जिराजुर रब्बानी अला मुर्तदिल कादियानी, कि रब्बानी खंजर कादियानी मुर्तद पर हो, यह भी एक किताब लिखी। इस तरह एक किताब अल मुबीन खत्मुन नबीजीन
कि ख़त्म नबी का एक सवाल आया था ख़ातम नबीन का, उसको बयान करने के लिए एक अलमुबीन किताब पूरी लिखी। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इतना काम किया इस कादियानी के ख़िलाफ़ कि अगर किसी और ने ना भी किया होता तो उनका काम ही सबसे ज़्यादा बड़ा था, सरफ़रेस्त था, और हर मौके पर वो किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम ही इल्ज़ाम तराशी का है, उन्होंने लफ्ज़ एक था, नाम एक था, उसकी वजह से आला हज़रत पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि ग़ुलाम कादियानी का जो भाई था उसका नाम था मिर्ज़ा कादिर बेग, ग़ुलाम कादिर बेग उसके भाई का नाम था। अब ये ग़ुलाम मिर्ज़ा कादिर बेग ये नाम मुश्तरक आ रहा है आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक उस्ताद जिनसे उन्होंने कुछ सबक पढ़ा था, उनका नाम भी मिर्ज़ा कादिर बेग था। जिन लोगों को आदत बनी होती है कि इल्ज़ाम लगाना होता है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या मिर्ज़ाइयों के ख़िलाफ़ काम किया, इनके उस्ताद ही मिर्ज़ा कादिर बेग थे जो ग़ुलाम कादियानी के भाई थे। तारीख उठा कर देखें तो ऐसी बात नहीं है। ग़ुलाम कादियानी का जो भाई था जिसका नाम मिर्ज़ा कादिर बेग था, वो 1883 में मर गया था, 1883 में वो दुनिया से चला गया। और ये जो इनके उस्ताद थे, बाद में ये उस्ताद अपने शागिर्द से फतवा भी पूछा करते थे, और 1916 का उनका फतवा है, इस्तिफ्ताह है उनका, जिसमें उन्होंने आला हज़रत को एक ख़त लिखा जिसमें एक मसले पर सवाल पूछा है, और वो 1916 का उसमें तारीख लिखी हुई है। तो आला हज़रत के जो उस्ताद हैं मिर्ज़ा कादिर बेग, वो 1916 तक ज़िंदा हैं, और ग़ुलाम कादियानी का जो भाई मिर्ज़ा कादिर बेग था वो 1883 में मर गया था। नाम उसका भी कादिर था, कादिर बेग, नाम इसका भी मिर्ज़ा कादिर बेग था। अब ये नाम उठाकर इधर लगा दें तो ये कितना बड़ा ज़ुल्म होगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कादियानी की तो बात दूर की है, जो खिलाफ सुन्नत अमल करता था वो उनके पास नहीं मौजूद हो सकता था, बाकी जो बदअकीदा उसके तो गुंजाइश ही वहां नहीं थी, उसे तो वो पक्का काफिर करार देते थे, जो उनके यहां सोबत रखे वो भी उसी खाते में आते हैं। आला हज़रत ने तो गुस्ताख़े रसूलों के एक एक इबारत पर उन पर कुफर का फतवा लगाया और उनके हिमायतियों पर भी फतवा लगाया, तो ऐसी बात कोई नहीं है। आला हज़रत ने कादियानी के खिलाफ बड़ा काम किया है और उनका काम नुमाया है, आया है, और अगर किसी को खबर नहीं है तो उसका अपना कसूर है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा हक बात बयान करते रहे। ग़ुलाम कादियानी जो था ये अपने तलबिल्मी के जो दौर मैंने बताए, और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो तलबिल्मी का दौर है, उस्ताद से जब सबक पढ़ना शुरू किया, अलिफ बा पढ़ रहे हैं तो उस तख्ती में आता है लाम अलिफ, जब उस्ताद पढ़ाने लगा लाम अलिफ तो उन्होंने नहीं पढ़ा, 4 साल अभी उम्र है, पढ़ा नहीं। उस्ताद फिर पढ़ाए, पढ़ो लाम अलिफ, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा, अभी 4 साल उम्र है, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। अब दादा मौजूद थे, उन्होंने देखा बच्चा पढ़ नहीं रहा, उस्ताद पढ़ा रहा है भाई लाम अलिफ, हमजा के बाद आता है लाम अलिफ, पढ़ो। बुलाया, पूछा ये तुम क्यों नहीं पढ़ रहे, तो कहा कि दादा जान ये मुफरादात की बात है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक एक हर्फ की बात है, और लाम अलिफ में 2 हरफ हैं, वो मुरकबात में हैं, वो अगले सफ़े पर आएंगे, अभी मुफरादात की बात में दरमियान में मुरकब का लफ्ज़ क्यों पढ़ाया जा रहा है। 4 साल उम्र है, बच्चे हैं, इब्तिदा है, लेकिन कुर्बान जाए उनकी सीरत पर कि यहां पर किसी उस्ताद ने नहीं बताया, किसी ने बताया नहीं है,
अल्लाह ने खुदादाद सलाहियत दी थी, जब लाम अलिफ पर पहुंचे रुक कर नहीं पढ़ा कि जब मुफरदात की बात आ रही है हम रकबात को क्यों पढ़ें। यह आला हजरत का बचपन था, 4 साल की उम्र है, रोजा रख लिया है, दिन गर्मी का था, सख्त गर्मी है, दादे ने अंदर कमरे में बुलाया, सारे दरवाजे बंद कर दिए, कहा कि बेटा गर्मी का मौसम है, रोजा तुमने रख लिया अच्छा हुआ, लेकिन देखो भूख भी लगी होगी प्यास भी लगी होगी, तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज नहीं है, अभी तुम्हारी 4 साल उम्र है, मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, मैं बाहर चला जाता हूं, इधर पानी भी पी लो खाना भी खा लो, 4 साल का बच्चा है। वो दादे को जवाब देते हैं, दादा जान मैंने आपके लिए रखा है ना अपनी मां के लिए रोजा रखा है, मैंने रोजा रखा है अपने रब के लिए, जिसके लिए रोजा रखा है वो मुझे देख रहा है। इसलिए आला हजरत की ये बात नहीं की जा सकती कि कादियानी के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया, आला हजरत की सीरत को उठाकर देखें क्या कुछ नहीं किया, हर एक का अपना बस गालिब होता है। आला हजरत ने गुस्ताखों के खिलाफ चूंकि बड़ा काम किया इसलिए उनमें नाम उनका ज्यादा हो गया, और हजरत पीर मेरे निशा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इन कादियानियों के खिलाफ बड़ा काम किया उसमें नाम इनका आगे हो गया, लेकिन काम उनका भी है। तो अब आप गौर करें, गुलाम कादियानी मां भेज रही है जाके दादी की पेंशन ले आओ, वो वहां बदयांती कर रहा है, ये है गुलाम कादियानी। आला हजरत 4 साल की उम्र है, दादा कह रहे हैं रोजा इफ्तार कर लो, लेकिन पोता नहीं कर रहा, मैंने रब के लिए रखा है उसके लिए पूरा करना है। तो बात यह है कि पहले किसी की सीरत को पढ़ें देखें फिर उसके बाद बात करें। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो पूरी सीरत है बचपन से लेकर जवानी तक बुढ़ापे तक, 11 साल की उम्र थी हिदायत की किताब उन्होंने लिखी थी, शरह लिखी है और फतवा देना शुरू कर दिया था, इसलिए उनकी सीरत अभी उलमा अभी मौका आ रहा आगे 25 सफर को उसमें आप सुनेंगे, तो इसलिए आला हजरत को जरूर पढ़ें ताकि हमारा ईमान ताजा हो कि हमारी निस्बत किन के साथ है। हम ऐसे किसी को नहीं मानते, जब कुछ देखा है तो मानते हैं। वो जब लिखा करते थे दोनों हाथ से लिखते थे, जब बयान किया करते थे 4 आदमी होते लिखते थे, और 4 आदमी बयान करते जा रहे हैं, 4 आदमी को बयान करते जा रहे हैं, हर एक को अलग अलग मजमून लिखवा रहे हैं। ये उनकी अकल का वो था इंतहा थी कि एक का मजमून भी पूरा हो रहा है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का भी हो रहा है, और एक ही वक्त में सैकड़ों हवाले दे देते थे, और एक सफा भी एक सत्र भी दाएं बाएं नहीं होती। तो बहरहाल हदीस लिखवाते खुशबू के साथ लिखवाते थे, और आम बात लिखते तो आम कलम से लिखते थे। तो गुलाम कादियानी की बात हो रही थी कि उसके खुराफात कितनी चलती गई, तो हजरत पीर मेरे निशा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने उनके खिलाफ बंद बांधा, और इनके आप खत पढ़ें। आला हजरत ने जो गुलाम कादियानी को लिखा, गुलाम कादियानी जो आला इसको पीर मेरे निशा साहब रहमतुल्लाह अलैह को लिखा, ये खत पढ़ें आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इतनी मामूली बात नहीं थी जितना हमने समझ लिया है। सिर्फ बात इतनी थी कि कादियानी के पीछे अंग्रेज का हाथ था और वो ज़ाहरी तौर पर उनको सपोर्ट करते थे और आज तक कर रहे हैं, वरना मुसैलमा कज़्ज़ाब से लेकर आखिर तक जितने झूठे मुद्दईन नबूवत आए जिंदा कोई नहीं रहा, हुकूमत वक्त ने हर एक को मरवाया। कौन होता है जो हुजूर की बारगाह में आकर इस तरह के अपने झूठे दावे करे, लेकिन यहाँ चूंकि इस्लामी हुकूमत नहीं थी, अंग्रेज हुकूमत थी, सिखों की हुकूमत ख़त्म हुई तो अंग्रेज हुकूमत उसके बाद आ गई, इसलिए मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा फितना उन्होंने छोड़ दिया और ये चलता रहेगा आगे तक।
जब तक मुसलमान आपस में इस्तेहकाम नहीं रख लेंगे। तो हज़रत पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हर लिहाज से उनके खिलाफ कार्रवाई की, ख़त भी लिखे, इश्तहार भी लिखे, सारा कुछ। ग़ुलाम कादियानी ने पीर मेरे शाह साहब को ख़त लिखा जो काफ़ी सफ़ों पर मुहित है, तवील बात उसमें लिखी, उसमें मुनाज़रे का चैलेंज दिया, क्योंकि उनकी बदनामी इतनी हो गई थी कि आला पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों ने हर जगह कादियानियों को जो है ना वो पकड़ा और उनके ख़िलाफ़ जो उनकी झूठी बातें थी वो अयां की, उनके झूठे इलामात, झूठी बातें, जिसकी वजह से ग़ुलाम कादियानी के लिए बड़ा मुश्किल मरहला हो गया। अल मुख्तसर के उसने अपने मानने वालों को मुतमैन करने के लिए मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। उस मुनाजरे में मुनाजरा किस बात का है? जो वो दावे कर रहा है उस पर नहीं हो रहा। मुनाजरा ये है कि हम तफसीरी किताब लिखेंगे, तफसीर लिखेंगे, और लिखने का तरीका खुद ही बयान किया कि कुरान पाक हम उठाएंगे और कुरानदाजी करेंगे और उस कुरानदाजी में जो आयत निकलेगी उससे आगे 40 आयत और या फिर वह जो छोटी सूरत हो तो पूरी सूरत, उसकी तफसीर लिखेंगे। 7 घंटे का टाइम होगा, 7 घंटे का, और आपके साथ भी कोई नहीं होगा, कोई मदद नहीं करेगा आपकी, कोई आपको बताएगा नहीं, और बार बार तलाशी ली जाएगी कि कोई कागज़ से देखकर तो नहीं लिख रहे, कोई शख्स लिखवा तो नहीं रहा। 7 घंटे का टाइम होगा और साथ कोई नहीं बैठेगा, अकेले होंगे, आप भी अकेले बैठे, मैं भी अकेले बैठूंगा, और हम दोनों कुरान पाक की तफसीर लिखेंगे अरबी में। तो 40 आयात की तफसीर होगी और उसके बाद 3 जज जिसके नाम भी ग़ुलाम कादियानी ने पेश कर दिए कि अगर हो सकते हैं आप राजी हों तो ये हैं, वो तीनों गैर मुकल्लद थे, तो कहा कि वो जज होंगे और बाकी शरायत भी उसने तय कर ली, और फिर साथ कहा कि 1 महीने के अंदर टाइम फिक्स करना है। बहरहाल 22 जुलाई को उसने ये ख़त लिखा और 25 जुलाई 1900 के अंदर ये ख़त पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पहुंचा। तो पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उस रात सोए नहीं, उन्होंने ख़त का जवाब लिखा और 5000 ख़त के जवाब की कापियां कराई। आज कापी कराना आसान है, उस वक़्त बहुत मुश्किल था, और 5000, और ग़ुलाम कादियानी ने 100 उलमा के नाम पेश किए जो उस वक़्त के जज बड़े बड़े उलमा थे कि वो हमारे उस दरमियान मौजूद होंगे। उसमें एक नाम अब्दुर्रहमान छोरवी रहमतुल्लाह अलैह जो हरिपुर के अंदर मज़ार है, जिन्होंने दुरूद पाक पर 30 पारे लिखे हैं, उनका नाम भी मैंने पढ़ा तो उसमें उनका नाम भी लिखा हुआ था। रशीद अहमद गंगोई का नाम भी लिखा था, बड़े बड़े उस वक्त के जो लोग थे उनके नाम लिखे हुए थे, 100 के नाम। बोला इन सबको आप दावत दें, इन सबको बुलाएं, और फिर साथ ये कहा कि किराया भी आप देंगे, इनका इंतज़ाम भी आप करेंगे, हमारा भी इंतज़ाम आप करेंगे, ये सारी शरायत लिख कर भेज दी। तो पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको कबूल किया और 5000 उसकी कापियाँ मुख्तलिफ इलाकों में भेजी और उनको भी जवाब लिख दिया, और इसमें 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी, क्योंकि 25 मई थी, उसके 1 महीने के बाद 25 अगस्त और लाहौर के अंदर शाही मस्जिद ये मुकर्रर हुई। उसने भी लाहौरी का कहा था, इन्होंने भी उसी बात को रख के कहा कि लाहौर कही, साथ ये कहा कि उससे पहले कुछ मुबासा भी हो जाए, कोई बातें भी हो जाएं, लेकिन ग़ुलाम कादियानी ने आगे से रद्द किया कि मैं सिर्फ लिखूंगा, बस हमारा लिखने का मुकाबला होगा, गुफ्तगू नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी। अगर वो सच्चा था और इतने बड़े दावे किए थे, नबी के दावे से ऊपर तो दावा कोई नहीं हो सकता, तो वो फिर क्यों डरता था? लेकिन क्या था कि वो झूठा था, और वो नऊज़ बिल्लाह पीर मेरे शाह साहब को जब ख़त लिखता था तो लिखता था कज़्ज़ाब,
ये उसके ख़तों में मौजूद है। तो अल मुख्तसर के ये सारा प्रोग्राम तय हुआ और 25 अगस्त आ गई। फिर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह 40 उलमा के साथ रावलपिंडी से लाहौर पहुँचे और बाकी इंतज़ाम सारा कर लिया हर किस्म का, और उसको इतला कर दी कि हम आ गए हैं, आप भी आ जाएं। उसके जो कारिंदे थे वो कह रहे थे बस वो अभी आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं। चार दिन आला हजरत पीर मेरे रिशा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ मौजूद रहे, चार दिन तक। 25, 26, 27, 28, 29 को यहाँ से फिर वापस गए थे। चार दिन तक मौजूद रहे, लेकिन इन चार दिनों में ग़ुलाम कादियानी नहीं आया और उसने अपना उज़र पेश किया, भाई ये वो इस तरह बस नहीं आया वो। हालांकि उसने लिखा था कि हमें से अगर जो नहीं आएगा वो भी काज़िब होगा। इस ख़त को अगर कोई शख्स पढ़ ले उसका झूठ होना वही साबित हो जाता है, लेकिन उनके मानने वाले उसके बावजूद भी उसी के पीछे लगे हुए हैं, आज भी उन्हीं के नाम पीछे लगे हैं। पता नहीं उनके अंदर क्या उनको नज़र आता है कि जहाँ दजल है, जहाँ फरेब है, जहाँ झूठ है, जहाँ धोखादही है, वो बात मान रहे हैं। जो हक्कानियत है, हकीकत है। फिर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था कि अगर ग़ुलाम कादियानी चाहे तो बजाय हम खुद लिखने के हमारे कलम होंगे, हम कलमों को हुक्म दें, वो लिखना शुरू कर देंगे। कहा कि मैं अगर अपने कलम को कह दूँ कि कलम लिखे तो ये तफसीर तो मेरा कलम खुद लिख देगा। बाद में किसी ने कहा कि ये इतनी बड़ी आपने बात कैसे कह दी। कहा कि मैं वैसे नहीं की, इसका मुझे इशारा हुआ था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की करम नवाजी थी कि आपने इशारा फरमाया कि मेरे लिए बोल दो ये भी, अगर वो मान जाए तो आपका कलम ये सारी तफसीर लिख देगा। ये झूठे बात नहीं थी, जो अल्लाह वाले बात करते हैं, जो मुंह से बात करते हैं वो हक होती है, और वो बात वही करते हैं जो अल्लाह की तरफ से उन्हें इनायत होती है, रसूलुल्लाह की तरफ से करम नवाजी होती है। तो बहरहाल फिर मेरे रिशा साहब रहमतुल्लाह अलैह का सिर्फ एक ये नहीं, इसके अलावा भी उसके बाद भी वो अपने महाज पे खड़े रहे और हर मौके पर ग़ुलाम कादियानी के साथ मुकाबला होता रहा। यहाँ तक कि आपके मुरीद थे पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था ग़ुलाम कादियानी को, कहा कि इसमें या तू जाएगा या मैं। तो 3 दिन के अंदर आप सबको मालूम है 1908 के अंदर वो मर गया था और हिलाक हो गया, तबाह हो गया। वो कहता था कि मैं सारी ज़िंदगी दो तकलीफ़ों में रहा हूँ, एक तकलीफ़ ऊपर थी, एक तकलीफ़ नीचे रही। ऊपर की तकलीफ ये थी कि सर दर्द, कहता मेरा हमेशा रहता था। सर दर्द क्यों ना हो कि जब इतने मुसलमानों को उन्होंने परेशान और इस्तिराब में डाला हुआ है, गुमराह किया जा रहा है, तो सर दर्द नहीं होगा और क्या होगा। एक बादशाह बैतुल्ला शरीफ गिराने के लिए जब आया था, मक्का वालों ने उसका इस्तकबाल नहीं किया था, वो लंबी बात है सिर्फ इख्तिसार के साथ ज़िमनन, कि उसने इरादा किया कि मैं इनके बैतुल्ला को गिरा दूंगा क्योंकि सारी दुनिया में मेरा इस्तकबाल हुआ है, इन्होंने नहीं किया। अब रात के वक्त उसके सर दर्द शुरू हो गया, इतना दर्द हुआ ना दिन को आराम ना रात को आराम, हर वक्त उसको दर्द रहता था। वो फिर उसकी लंबी कहानी है। तो उससे कहा गया कि तुम्हारी नीयत में फितूर आ गया है, जब नीयत में फितूर होता है तो अल्लाह ताला इस सर को तकलीफ में डाल देता है, इस नीयत में फितूर की वजह से तुम्हारा सर दर्द हुआ है, अपनी नीयत दुरुस्त करो, जब तुम्हारी नीयत सही होगी तुम्हारा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। उसने जो नीयत की थी कि मैं बैतुल्लाह को गिराऊंगा, वो नीयत ठीक की, तौबा की, दिल दिल में तौबा की, कहा कि मैं अपने इरादे से बाज आया, आइंदा मैं ये काम नहीं करूंगा। उसके सर का दर्द आराम हो गया। पूछने का तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने नीयत में फितूर किया था, कहा कि तुम्हारे सर का दर्द बताता यही था कि सर का दर्द होता तब ही है जब इंसान की नीयत में फितूर होता है,
तो फिर अल्लाह ताला उसके सर में इसी तरह की खराबी पैदा कर देता है। तो गुलाम कादियानी कहता है कि हमेशा मेरे सर में दर्द रहता था, रात के वक्त उठकर दीवारों को टकरे मारता था। एक मरतबा अपनी चरपाई पर जाकर टक्कर मारी जिससे सर जख्मी हो गया। बेटे ने पकड़ लिया, क्या कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। तो कहा कि मेरे सर का दर्द इतना है, खत्म ही नहीं होता। फिर सर के दर्द के साथ दांतों का दर्द शुरू हो गया और दांतों के हकीम को बुलाया, कहा मेरे दांतों का दर्द खत्म नहीं होता। कहा कि दांतों के दर्द का इलाज यह है, इखराज इलाज दंदान, इखराज दंदान, कि दांतों के इलाज, दांतों का दर्द का इलाज दांतों को निकाल देना है। तो आप इजाजत दें मैं आपके दांत निकाल दूं। कहा कि मेरे दांत निकल जाएंगे, मैं बात कैसे करूंगा, मैंने तो इतने बड़े दावे किए हैं और दांत भी ना हो तो फिर काम क्या कैसे होगा। तो ये सर का दर्द, ये दांतों का दर्द, ये इसको तकलीफ उस फतूर की वजह से थी जिसके उसकी नीयत में शुरू से फतूर था। हजारों की तादाद में लोगों को गुमराह किया, सर में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा। दूसरा वो कहता है कि मुझे नीचे दर्द रहता था, देख नहीं सकता था और पेशाब उसको इतना ज्यादा आता था। कहता है एक एक रात में 40-40 बार मैं पेशाब करता था लेकिन मेरा पेशाब की तकलीफ खत्म नहीं होती थी। एक वजह होती है जो इंसान खुद अपने ऊपर लागू करता है। जैसे एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, उन्होंने इरादा किया, सर्दियों की रात थी, उन्होंने कहा आज मैंने इबादत करनी है और दरिया के अंदर करनी है, पानी के अंदर करनी है और अपने रब को राजी रखना, पूरी रात इबादत करनी है। अपने नफ्स से मुखातिब हुआ कि आज मैं तुम्हें ये सजा देनी है। अब वो पानी के अंदर जाकर एक पत्थर रखा जिसके ऊपर सजदा किया जा सकता था, तो पानी में जाकर खड़े हो गए। सख्त सर्दियों की रातें हैं, पानी में खड़े हुए इबादत के लिए। तो जैसे उन्होंने नमाज शुरू की, ऊंग आ गई, ऊंग आने के साथ ही बेगुसले हो गए, एहतराम हो गया, गुसल किया, नहाए, फिर दोबारा खड़े हुए, फिर जैसे खड़े हुए फिर बेगुसले हो गए, यहां तक कि एक रात में 40 मरतबा उन्हें गुसल करना पड़ा। लेकिन अपने नफ से कहा कि ये 40 बार है, आज रात जितनी बार भी मुझे गुसल करना पड़ा मैंने आज रात यही इबादत करनी है। अल्लाह वालों का ये होता है कि ये चीज अपने ऊपर वो लागू करते हैं, अल्लाह उनके इम्तिहान में डालता है, वो हम तो उस इम्तिहान में पास होते हैं, कामयाब होते हैं, इस्तिकामत मिलती है कि 40 बार भी गुसल करना पड़े लेकिन अपनी इबादत को नहीं छोड़ा। यह एक अलहदा मामला है, लेकिन गुलाम कादियानी का मामला अलहदा था। उसका अख्तियार नहीं था, इस्तिरार था, तकलीफ थी, अजियत थी उसको, और वो 40-40 बार पेशाब करता था। ये सजा थी दुनिया में उसको, लोगों को बताना था कि देख लो जो शख्स कहां से मुबल्लिग, मुनाजिर, फिर उसके बाद मुजद्दद, फिर मुहद्दस, फिर उसके बाद मादी, फिर मिस्ल मसीह, फिर उसके बाद मसीह, फिर अफजल मसीह, फिर जिल्ली नबी, फिर बुरूजी नबी, फिर ऐन मोहम्मद, फिर उसके बाद अफजल, फिर उलूहियत का दावा करे और हाल ये हो सो ना सके, काम ना कर सके, सर में भी दर्द हो और अपने नीचे के हिस्से में भी उसके दर्द हो, पेशाब की भी तकलीफ हो, फिर वो दावा करे मैं रब हूं। ये कैसी अजीब सी कहानी है, कहां है उनके मानने वाले, कौन उनके इत्तबा करने वाला है, कौन उनको ये सारे सलासल, ये सारे अलकबात उनको दे रहा है, क्या वो अंधे हैं, बेअकल हैं, क्या मसला है उनका, और वो कौन लोग हैं जो उनकी पुष्पनाई कर रहे हैं, आज कौन उनकी हिमायत कर रहे हैं। जरा उनके पढ़ कर तो देखें उस शख्स का किरदार क्या था, उसने किसके साथ वफादारी की है, मोहम्मदी बेगम से निकाह करने का उसने कितने सालों उसके वालिद को तंग किया, परेशान किया, धमकियां दी, कहा तू मर जाएगा, तेरी बेटी मर जाएगी, ना उसकी बेटी मोहम्मदी बेगम मरी, ना उसका बाप मरा, वो सारे बाकी रहे और ये खुद मर के हलाक हो गया। तो ये सारी उसकी सीरत है हमारे सामने, सीरत तो अब ना के उसका जो है बद किरदार उसका है, कि ऐसा शख्स उसके फ्लावरों को हम फॉलो कर रहे हैं,
उसके मानने वालों को हम उसकी इमाज कर रहे हैं और उसकी तरफदारी कर रहे हैं, अपने आप को मुसलमान कहे, पांच वक्त की नमाज पढ़े, फिर किसी कादियानी की इमाज करें, इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। मैं बात बस खत्म कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो आदमी आए, उन्होंने आकर कहा कि हम अपने नबी के कासिद आए हैं, मुसैलमा कज़ाब की तरफ से कासिद बनकर आए हैं, तो एक खत लेकर आए हैं, यह खत आप पढ़ें। उस खत में लिखा था, जो उसमें मजमून है उसका खुलासा यह था कि दो बातें मान लो, एक बात यह कि अरब के नबी आप हो जाएं, अजम का नबी मैं हो जाऊं, हम यह नबूवत तकसीम कर लेते हैं, और दूसरी बात यह है जब तक आप हयात हैं मैं आपकी ताबेदारी करूंगा, हम सब आपको मानेंगे, मेरे साथ 40,000 से ज्यादा लोग हैं, हम आपकी तिबा में रहेंगे, लेकिन जैसे आप दुनिया से जाएं उसके बाद फिर अपनी नबूवत मुझे देकर जाएं, फिर इस उम्मत का मैं नबी हूंगा, आपके बाद मैं हूं, इन दोनों में से जो बात भी आप मानना चाहें मुझे मंजूर होगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कास्तों से पूछा, तुम बताओ उसका तो जो भी है ख्याल, तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा, हम उसी के सफीर आए हैं, उसी के कासिद आए हैं, जो बात उनकी है वही बात हमारी भी है। आपने फरमाया कि अगर सफीर को कत्ल करना जायज होता तो आज मैं तुम्हारा सर कलम कर देता। के वो तो कहते ही कहता है, तुम जो कह रहे हो तुम जिंदा रहने के काबिल नहीं हो, जो किसी झूठे नबी की दावा नबूवत की हिमायत करता है वो भी कत्ल का मुस्तहिक है, वो जिंदा रहने का हकदार नहीं है, ये नबी का फरमान है। कहा कि अगर सफीर ना होते तो कत्ल कर दिए जाते। फिर आपने खत लिखा, खत लिखा, फिर उसकी तफसील है। आपने फरमाया, कौन शख्स है जो मेरा खत मुसैलमा तक पहुंचाए? हर साहबी की ख्वाहिश थी कि हम खड़े हों। बाहर एक शख्स गुजर रहा था, वो खजूरें बेचा करता था, आम आदमी था, 12 उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो गुजर रहा था, उसने सुना कि जो ने फरमाया कि उस मुसैलमा कज़्ज़ाब तक मेरा खत कौन लेकर जाएगा, जल्दी से अपने सर से वो टोकरी नीचे रखी, भागता हुआ आया, मुंह में खजूरें खाता हुआ, खजूरों के जर्रात गिर रहे थे, कहा लब्बे की या रसूलल्लाह, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं ये लेके जाऊंगा। किसी साहबी ने बाद में पूछा कि अपने मुंह की खजूरें तो साफ कर लेते, मुंह में जो खजूरें खा रहे थे वो तो खा लेते, फिर आकर हाजिरी पेश करते। तो कहा कि जब मेरे कानों में यह आवाज आई थी, आज मुझे यह सादत मिल रही थी, मैंने सोचा अगर खजूरें खाकर हाजिर होऊंगा कोई और यह सादत ले लेगा, इसलिए मैं उस जज्बे में आगे आया हूं। आपने अपनी सवारी दी, जो चीजें देनी थी, खत या कहा ये ले जाओ। बहरहाल वो वहां पहुंचा, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपना दरबार लगाया हुआ था, लोग तलवारें लेकर खड़े थे, पीछे भी खड़े हैं, आगे भी खड़े हैं। ये शख्स अपनी तलवार को जमीन पर गाड़ते गाड़ते आगे उसके सामने पहुंचा, वो देखकर बड़ा हैरान था कि इसको मेरे इस जलाल और इतने लोग खड़े हैं, और जाओ जलाल का एक निजाम होता है उससे खौफज़दा नहीं हुआ। आगे आ बोला, कौन हूं? कहा मैं कासिद हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूं। नाम उनका था खुबैब बिन जैद, ये उनका नाम था। तो अब उन्होंने अपना नाम पेश किया और कहा कि मैं गुलाम रसूल हूं और मैं ये कासिद बनकर आया हूं। तो कहा कि क्या है? तो कहा यह खत है। अब मुसैलमा खुद नहीं पढ़ता था खत, अपने साथ जो बैठा था उसको दिया, पढ़ो इसको। अब उसने जब पढ़ा तो उसमें लिखा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसैलमा कज़्ज़ाब के नाम। तो उसने कहा कि ये कज़्ज़ाब लिखा, मुझे कज़्ज़ाब कहा, मैं तो नबी हूं। तो अब जब ये कहा तो कहा कि रुक जाओ। उससे पूछा हुबैब बिन ज़ैद से कि तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो उन्होंने कज़्ज़ाब कहा ही कहा है, तुम क्या कहते हो? तो खुबैब बिन ज़ैद ने कहा, जो मेरे नबी ने कहा मैं वही कहता हूं, कज़्ज़ाब हो, कज़्ज़ाब हो, कज़्ज़ाब हो।
मुसलमान कज़्ज़ाब खड़ा हो गया, जलाल में आ गया, कहा कि मेरे सामने ऐसी बात करते हो, कहा कि तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे जैसे ऐसे हजारों उनके सामने भी मैं यही ऐलान करूंगा कि तुम कज़्ज़ाब हो, कज़्ज़ाब हो, कज़्ज़ाब हो। कहा कि देख लो मेरे तलवार हाथ में है, अपने पीछे देखो तलवारें खड़ी हैं। कहा कि मैंने मुड़ कर देखना होता तो मैं अपने छोटे छोटे 12 बच्चे ना छोड़कर आता। मैं गरीब आदमी हूं, खजूरें बेचकर अपना वक्त गुजारा करता हूं, मेरे बच्चे भूखे भी होंगे, प्यासे भी होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन जब बात आ गई है तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत की, ना हतमे नबूवत की, तो उसके लिए मैंने ना बच्चों को देखा, ना अहले खाना को देखा, किसी को नहीं देखा, मैं मुड़ के पीछे क्यों दूं। उसने कहा देख लो मैं जलाल वाला हूं, और अपने हाथ पर उन्होंने दाएं हाथ पे तलवार मारी, हाथ काट दिया। पूछा खुबैब बाज आ जाओ, कहा कि दूसरा हाथ भी है, ये मौजूद है, एक हाथ अल्लाह के रसूल की इज्जत की खातिर गया, कोई बात नहीं, ये हाथ जाने वाली चीज है, जाए, ये मेरा दूसरा हाथ भी मौजूद है। दूसरे हाथ पे उसने तलवार मारी, दूसरा हाथ भी काट दिया, दूसरा बाजू में काट दिया। कहा हुबैब देख लो दोनों हाथ तो तुम्हारे गए, अब ये एक तुम्हारी गर्दन है, मैं तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखता हूं। उन्होंने कहा यह गर्दन भी हाजिर है, अफसोस यही है कि ये एक गर्दन है, अगर ऐसी हजारों गर्दनें होती तो आज वो भी कुर्बान करता। तो उसने तलवार मार के उनको भी शहीद कर दी। तो ये पहले शहीद थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में बताया मेरा हुबैब शहीद हो गया। तो अब ये कोई खेल तमाशा नहीं है, ये हुज़ूर की इज्जत की हुरमत की बात है। जहां हुज़ूर की इज्जत और हुरमत की बात आ जाए तो वहां कोई चीज भी नहीं, ना औलाद, ना माँ बाप, ना बहन भाई, ना आलो याद, ना कबीला, बस वहां हुज़ूर की इज्जत और हुरमत की बात है। मैं बस बात आखिर तक ले जा रहा हूं। एक अरबी हुज़ूर की बारगाह में आया और आकर बड़ी अजीब अंदाज से हुज़ूर के सामने आया। आपने पूछा कैसे आए हो, कहा कि एक काम के लिए आया हूं। तो कहा कि क्या काम है, कहा कि वल लात वल उज़्ज़ा, लात और उज़्ज़ा की कसम है, आपके दावे क्या हैं। आपने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो कहा कि मैं नहीं मानता। तो आपने फरमाया तुम्हारी मर्जी की बात है। उसने अपने आस्तीन से एक गो को निकाला और उसे निकाल कर बाहर किया और कहा कि अगर ये गो आपकी रिसालत की गवाही दे दे तो फिर तो मैं मान सकता हूं, वरना मैं नहीं मानूंगा। मा आमंतु बिका और यू मीनो बिका हाजत दब, कि मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये गो आप पर ईमान नहीं ले आती। तो उसने गो को निकाल के सामने पेश किया तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब उस गो को देखा और कहा या दब्बू, उस गो को जब जमीन पर डाला उसने तो गो ने अपनी जुबान से कहा लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह लब्बैक और सादैक में हाजिर हूं या रसूल अल्लाह। हालांकि गो हमारी जुबान नहीं बोलती, लेकिन चूंकि जहां गवाही की जरूरत होती है तो वहां ये हैवानात भी जानते हैं अल्लाह के रसूल को। गुलाम कादियानी को उठा कर देखें, वो गवाहियां मांगता रहा, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं, और इधर इंसान तो इंसान, ये हैवान भी गवाही दे रहे हैं। तो कहा कि या रसूल अल्लाह लब्बैक व सादिक या रसूल अल्लाह, फकाला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ताबुदु, तू किसकी इबादत करता है। उस गो से पूछा तू किसकी इबादत करता है, उस गो ने क्या कहा, ये खुतबा पढ़ा जाता है, उसने कहा अल्लज़ी फिस समाए अर्शुहु व फिल अर्दे सुल्तानुहु व फिल बहरे सबीलुहु व फिल जन्नत रहमतुहु व फिल नार अज़ाबुहु, मैं उस जात की इबादत करता हूं कि जिसका अर्श आसमानों पर है, जिसकी सुल्तानियत जमीन पर है, और समुंदर में जिसने रास्ते बनाए हैं, और जन्नत में जिसकी रहमत है और जहन्नम जिसका अजाब है, मैं उसकी इबादत करता हूं।
अब ये देखो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गो हाजिर हुआ, अल्लाह ने कितनी अरबी फसीह उसको अता कर दी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था कि आप जिस कासिद को जिस इलाके में सफीर बनाकर खत देकर भेजते थे, वो शख्स उस इलाके में कदम रखता था, उसकी जुबान उनको आ जाती थी। इतना अल्लाह ने मकाम दिया था। अब्दुल्ला बिन जुबैर 100 जुबानों पर उनको अबूर हासिल था, 100 गुलाम उन्होंने खरीदे मुख्तलिफ इलाकों के, हर एक से उनकी बोली में बोलते थे, ताकि अब्दुल्ला बिन जुबैर की इन 100 जुबानों की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलम का अंदाजा हो, जब गुलाम का यह हाल है तो आका का क्या होगा। तो अब उस गो से आपने पूछा कि मन आना, मैं कौन हूं? उस गो ने क्या कहा, अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबियीन। हालांकि आपके औसाफ तो और बहुत भी थे, लेकिन ऐसे दो जामे औसाफ बयान किए कि आप रब्बुल आलमीन के रसूल हो और खातमुन नबियीन हो। ये बेजुबान हैवान भी आपको खातमुन नबियीन मानते हैं। गुलाम कादियानी को समझ नहीं आई, वो खुद दावेदार बन गया। कद अफलहा मन सद्दका वकद खाब मन कज़्ज़बका फकाल अल आराबी अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह। ईमान लेकर आ गया। अल्लाह जब किसी को हिदायत देता है तो उसके असबाब पैदा कर देता है। शर्त यह है कि दिल में खयानत ना हो, बदयानती ना हो। जिसके दिल में खयानत है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। नुमान बिन बशीर रदियल्लाहु ताला ने एक साबी रसूल हैं, कहते हैं कि अन उसब्बी हूँ बाद अल मगरिब, मगरिब के बाद मैं नफल पढ़ रहा था। उसब्बी हूँ का एक माना तस्बीह पढ़ रहा था। मगरिब के बाद 2 रकात नफल भी होते हैं, 6 रकात सलातुल अवाबीन भी होते हैं और 20 रकात भी सलातुल अवाबीन भी होते हैं। तो जिसको जितनी तौफीक हो पढ़ लेना चाहिए, कभी तो पढ़ ले बंदा। तो हजरत नुमान बिन बशीर ये अंसार साहबा में मदीना में सबसे पहले पैदा होने वाले साहबी हैं। तो कहते हैं आनो सब भी हो बाद अल मगरिब, मैं मगरब के बाद तस्बीह पढ़ रहा था या मगरब के बाद मैं नवाफिल अदा कर रहा था। बाहर देखा शोर हो रहा है, किसी ने आके कहा कि इन जैदन का तकल्लम बाद वफात ही, कि जैद ने मरने के बाद बोलना शुरू कर दिया है। एक साबी रसूल थे, अंसारी साबी थे, खजरजी साबी थे, जिनका नाम है जैद बिन खारिजा बिन अबी जोहेर खजरजी अंसारी। एक जैद बिन खारिजा अलीहदा हैं, वो नहीं है। ये जैद बिन खारिजा साबी रसूल हैं, बदरी साबी हैं, बदर में भी मौजूद थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के दौर में ये फौत हुए। जब फौत हो गए तो फौत होने के बाद इनकी जुबान चलने लग गई, कलाम करने लग गए। हजरत नुमान बिन बशीर कहते हैं मुझे किसी ने आके कहा इन जैदन का तकल्लम बाद वफाती, जैद ने बोलना शुरू कर दिया हालांकि वो दुनिया से चले गए। तो कहते हैं कि मैं जल्दी से फजे तो मुसरियन, मैं जल्दी से उठ के भागा, मैंने कहा पहुंचूं देखूं कि मरने के बाद तो कोई बात नहीं करता, ये कौन है जो मरने के बाद बात कर रहे हैं। तो कहा कि मैं जब पहुंचा कद हाजरा राह तो मेरा अंसार है, अंसार के काफी लोग वहां जमा हो चुके थे। तो मैंने सुना तो जैद की जुबान पर ये कलिमात जारी थे, अहमदो रसूलुल्लाह खातमुन नबियीन अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह व बरकातहू। ये अल्फाज मरने के बाद भी उनकी जुबान पर थे। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के दौर में हुजूर उस वक्त हयात नहीं थे, जहरी हयात में आप जहरी पर्दा फरमा चुके थे। साबी रसूल लोग कहते हैं जी उस वक्त तो कुछ नहीं होता था, सीरत पढ़कर तो देखें, किताबें पढ़कर तो देखें कि है कुछ या नहीं, कि जैद बिन खारसा बिन अबी जोहेर खजरजी अंसारी बदरी साबी अपनी वफात के बाद जुबान से कलाम कर रहे हैं,
अहमद रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह हैं। और साथ उस वक्त भी उन्होंने जुबान पे जो लफ्ज जो सिफ्त आई वो खातमुन नबीयीन, और आप खातमुन नबीयीन हैं। इसलिए ये खातमुन नबीयीन ये सिफ्त हमेशा हर मुसलमान अपने तले बांध ले। जब बात करे तो रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन, मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन, इतनी बार खातमुन नबीयीन के कि गुलाम कादियानी को कब्र के अंदर भी अजाब होता रहे कि तू तो दावेदार था खातम होने का, तुम कहां से आ गया खातम नबीयीन, खातम नबीयीन एक ही है। तो ये साबी दुनिया में जाने के बाद भी खातम नबीयीन की सदा पुकार रहे हैं। इसलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप कि आप खत्म नबूवत का ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। आप हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ और आपके दुश्मन की मुजम्मत को का एहतमाम किया हुआ है, तो तमाम इंतजामिया मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और तमाम जो उलमा हैं जिन्होंने इंतजाम किया वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अदब जरूरी है, जब तक अदब नहीं होगा कोई हासिल नहीं। एक सिंध के बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, गुलाम सिद्दीक मशहूर नाम है उनका, उनके वाले साहब बड़े बुजुर्ग थे और बेटा जो है वो बारगाह मुस्तफा का बारयाब था, तो बाप बेटे की कदर करता था। हालांकि मामला ये होता है बेटा बाप की कदर करता है, लेकिन उनके वालिद उनकी कदर किया करते थे और कभी उनसे अपने पांव पर हाथ नहीं लगाने दिए। औलाद का हक है कि वालिदैन की खिदमत करे, पांव दबाए, पांव चूमना जन्नत की चौखट को चूमना है, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को पांव पर कभी हाथ नहीं लगाने दिए। पासे अदब की वजह से, क्योंकि बेटा बारगाह मुस्तफा का बारयाब था, इसलिए उसका वो बाप एहतराम करते थे जो वली कामिल थे। अल मुख्तसर के जब उनका विसाल हो गया तो बेटे ने कहा आज मुझे मौका मिल जाएगा वालिद के पांव चूमने का, तो अपने बाप वालिद के पांव की तरफ गया और पांव की तरफ हाथ आगे बढ़ाया। वफात के बाद की बात हो रही है, पांव बढ़ाया कि पांव को हाथ लगाकर पांव चूम लूंगा। वफात के बाद जो वालिद फोत हो चुका था अपने पांव पीछे कर लिए, बेटे को पांव पर हाथ नहीं लगाने दिया। बेटा पीछे हट गया, उसने कहा कि जब मरने के बाद भी वालिद को इतना पासे अदब है तो फिर मैं आपको परेशान नहीं करता। हम औलिया अल्लाह की उलमा की सीरत पढ़ें तो एक एक अल्लाह के वली, एक एक अल्लाह के नबी, एक एक अल्लाह के जो उलमा हैं बरगजीदा लोग हैं उनके वाकयात में दरस इबरत हमारे लिए है। तो इसलिए आज का ये सबक इन उलमा की ज़ेर निगरानी हमें ये मिलता है कि हम हर शोबा जिंदगी में जहाँ पर भी हैं दुनिया के माल व मताल का ख्याल ना करें, इज़्ज़त रसूल हुरमत रसूल तहफ्फुज़ ख़त्म नबूवत की पासदारी करें। यही हमारा दीन है, यही हमारी दुनिया है, इसी में अल्लाह रसूल की रज़ा है। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।